हमें पता है कि फ्रिक्शन हमारी लाइफ को डिफिकल्ट बनाता है, ये चीजों को मूव करने में डिफिकल्ट बना देता है और इसके कारण हमारे जूते और कार के टायर्स भी खराब हो जाते हैं। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम फ्रिक्शनलेस वर्ल्ड में रहें? सपोज ये स्विच फ्रिक्शनलेस वर्ल्ड का गेटवे है, जब मैं इसे ऑन करती हूँ तो फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। लेट अस सी कि फ्रिक्शन के बिना दुनिया कैसी लगेगी। वॉकिंग, फ्रिक्शन वाली दुनिया में चलना नॉर्मल लग रहा है, राइट? पर आप ये जानकर सरप्राइज हो जाएंगे कि हम सिर्फ फ्रिक्शन के कारण ही चल पा रहे हैं। बिलीव नहीं हुआ तो इसे देखिए, आउच लग गई होगी, राइट? तो आपने देखा फ्रिक्शन हमारे चलने के लिए कितना जरूरी है। जब हम चलते हैं तब हम ग्राउंड को पुश करते हैं और हमारे जूते और ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स नेसेसरी ग्रिप प्रोवाइड करता है, जो हमें फॉरवर्ड पुश करता है और हमें स्लिप करने से बचाता भी है। होल्डिंग अ बॉटल, क्या आपने रियलाइज किया कि बॉटल या कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए होता है? बिना फ्रिक्शन के आपके हाथ से हर चीज स्लिप हो जाएगी। हमारे पाम और बॉटल के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है और बॉटल को स्लिप करने से रोकता है। होल्डिंग अ लैडर अगेंस्ट द वॉल, इस लैडर को वॉल के अगेंस्ट रखने की कोशिश करते हैं। ईजी है, राइट? क्योंकि लैडर और ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शन उसे स्लिप करने से रोकता है, पर फ्रिक्शनलेस वर्ल्ड में ये स्लिप हो जाएगी। ड्राइविंग अ कार, कार को स्टार्ट करना, कंट्रोल करना और स्टॉप करना ईजी होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। कार के टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स कार को मूव कराने के लिए नेसेसरी ग्रिप देता है। बिना फ्रिक्शन के व्हील्स एक ही जगह पर रोटेट करते रहेंगे। राइटिंग ऑन अ बोर्ड, फ्रिक्शन हमें लिखने में हेल्प करता है। फ्रिक्शन के कारण चौक या मार्कर की इंक रफ सरफेस में फिल हो जाती है और हम लेटर्स को देख पाते हैं। फ्रिक्शन के बिना, हाँ आपने सही गेस किया, आप लिखते रहो लेकिन आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। बर्निंग अ मैच स्टिक, जब हम मैच स्टिक की जलाने की कोशिश करते हैं तो स्टिक और मैच बॉक्स के बीच का नेसेसरी इग्निशन मैच स्टिक को जला देता है। बिना फ्रिक्शन के मैच स्टिक्स यूजलेस हैं। वेल आई एम श्योर अब तक आप कन्विंस हो गए होंगे कि हम बिना फ्रिक्शन वाले वर्ल्ड में रह ही नहीं सकते। इवन दो फ्रिक्शन काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, लाइक रेजिस्टिंग मोशन, डैमेजिंग मशीन्स, ये काफी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व भी करता है। सो लेट्स कॉल इट अ नेसेसरी इविल। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने जो भी सीखा है उसे रिकैप कर लेते हैं। हमने सीखा कि फ्रिक्शन हमें चलने में, चीजें पकड़ने में, लैडर को वॉल के अगेंस्ट होल्ड करने में, कार का स्टार्ट, कंट्रोल और स्टॉप करने में हेल्प करता है। हम बोर्ड पर लिख पाते हैं और मैस्टिक जलती है क्योंकि फ्रिक्शन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू सून।